मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर करेंगे मोशन। फिजिक्स का चैप्टर है मोशन। मोशन पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द मोशन, मोशन क्या होती है। हमारी डेली लाइफ में अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हैं जो आपकी रेस्ट में भी होती है और मोशन में भी। अगर हम अभी बात करें तो आप सब अभी आप चेयर पर बैठे हो तो इसका मतलब आप किस पोजीशन में हो, रेस्ट। और ये फ्लोर फैन जो है ये मूव कर रहा है, इसकी पंखुड़ियां क्या है, मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं फैन किस पे है, मोशन पे। अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी स्ट्रेट फॉर्म पर अगर कोई कार चल रही है तो उसको हम बोल देंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब ये फैन है, एक ही पॉइंट पर गोल गोल घूम रहा है, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। इसी तरीके से आपने झूला देखा होगा, जब हम पार्क में जाते हैं झूला लेते हैं तो वो झूला क्या रहता है, एक पॉइंट पीछे जाता है, फिर बीच में आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की क्या होती है मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो या रेस्ट में हो, जरूरी नहीं जो चीज हमें मोशन में दिख रही हो दूसरे के लिए वो रेस्ट में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्व करने वाले के। जैसे कि मान लो बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, दो लोग सीट पे बैठे हैं तो वो दोनों रेस्ट में है, सीट पे बैठे हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन में दोनों क्या है, रेस्ट में। पर उनको बाहर सराउंडिंग में पेड़ पौधे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनके कंपैरिजन में जो ट्रीज हैं दे आर इन मोशन। पर बाहर से कोई व्यक्ति अगर उस ट्रेन को देख रहा है तो वो रेस्ट में है, उसको ट्रेन आगे मूव करती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब उसके लिए ट्रेन क्या है, मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर जैसे अब आप सभी बैठे हो क्लास में, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब आप सब किस पोजीशन में हो, रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। पोजीशन से कहां पर चला गया, ए पॉइंट।
मोशन में और उसने अपनी जगह चेंज की तो ये दूरी क्या कहलाएगी, ये के बीच का जो डिस्टेंस वो क्या कहलाएगा आपका डिस्टेंस। मान लो ए से वो कहाँ चला गया, बी से, और बी से वो कहाँ गया, सी। ठीक है, तो जहाँ से वो चला इस पॉइंट को हम बोलेंगे उसका इनिशियल पॉइंट, और जहाँ वो पहुँच गए लास्ट में ये कहलाएगा उसका फाइनल पॉइंट। तो अगर हम पूछना चाहें कि ऑब्जेक्ट ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, कहाँ से चला था वो, ओ से, कहाँ पर पहुँच गया, सी, उसकी कुल डिस्टेंस कितनी होगी, ओ से, कुल कितनी हुई, ओ से। अब ओ से पर वो कैसे पहुँचा, पहले वो कहाँ गया, ओ ए, कहाँ पर गया, ओ ए, उसके बाद ए से कहाँ गया, ओ बी, यानी कि ए बी, और उसके फिर बाद में गया बी सी। तो ए ओ ए कितना है आपका 15 किलोमीटर, ए बी कितना है 9 15 से 20 पे गया 5 किलोमीटर, और नेक्स्ट फिर ए बी कितना है 5, तो टोटल कितना गया आपका 25 किलोमीटर। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहें ओ से सी पर, ये भी कितना है 25 किलोमीटर। तो ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। इस तरीके से हम क्या लेंगे, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की तो उसके लिए उसका क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट, या कह सकते हो इनिशियल पॉइंट, और फाइनल लास्ट में कहां पहुंच गया, फाइनल पोजीशन में। उसने टोटल कितना पाथ कवर किया, लेंथ ऑफ अ पाथ कवर इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसकी इक्वल होगी डिस्टेंस, मतलब उसकी टोटल पाथ की लेंथ कितनी है वो क्या कहलाएगी, उसकी डिस्टेंस, क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। हो सकता है ये क्लियर है, मान लो कोई एथलीट है और वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ओ पॉइंट, और उसने इस सर्कुलर फील्ड का एक राउंड लगाया, क्या लगाया, एक राउंड। ठीक है, तो मान लो इसका जो रेडियस है वो 7 मीटर है, इसका रेडियस क्या है 7 मीटर, तो टोटल आपको पता है ये सेंटर है तो ये डायमीटर, ये 7 है, ये भी क्या होगा 7, आपका आर रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो यानी कि 2r 2 × 7, तो कितना हो गया 14 मीटर, क्या हो गया 14 मीटर। एथलीट ने पॉइंट ओ से मूव करना स्टार्ट किया और उसने इस सर्कुलर फील्ड का एक राउंड लगाया, तो वो पूछना चाह रहा है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब स्ट्रेट पाथ होता तो हम माप सकते थे, है ना, स्केल से या किसी भी चीज से कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये सर्कुलर पाथ है, उसके लिए हम किसका फार्मूला यूज करेंगे, सर्कल। तो आपको पता है ये जो बाउंड्री होती है किसी भी सर्कल की, ये कहलाती है उसकी सर्कमफेरेंस, क्या कहलाएगी, सर्कमफेरेंस। और किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। अब देखो 2π की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 22/7, और रेडियस मेरा कितना दिया हुआ है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो टोटल कितना हो गया 44 मीटर, कितना हो गया 44 मीटर। उसने एक राउंड में टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की 44 मीटर। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि उसने 2.5 राउंड लगाया, कितने लगाए 2.5, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की 2.5। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, एक राउंड में उसने कितना किया 44, कितना किया 44, सेकेंड राउंड में कितना हो गया 88, और थर्ड राउंड में हाफ है ना, तो मान लो हमारा
44 में प्लस कर दो, मान लो 40 हो गया। फिर हाफ राउंड आधा कितना हो गया, 22 22 तो टोटल कितना हो गया 110 110। पर अगर आपको फार्मूला आता हो टू एंड हाफ राउंड का मतलब क्या होता है, टू एंड हाफ को हम ऐसे लिखते हैं, बोलो इसको सिंपल मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, टू टू जा फोर, यानी कि फोर में फाइव ओवर टू। और एक सर्कमफेरेंस का फार्मूला कितना होता है, टू पाई टू से टू कैंसिल, यानी कि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, फाइव पाई आर। क्लियर है, फाइव पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू 7, तो आंसर देखो कितना आया 6। ठीक है, यानी कि बार बार ऐड करने की बजाय हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ उस पर तीन राउंड लगाए हैं तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, बोलो एक राउंड का वन राउंड किसके इक्वल है आपका 2πr, दो राउंड किसके बराबर हो जाएंगे 2×2 यानी कि 4πr, अगर थ्री राउंड है तो वो किसके बराबर हो जाएगा 2πr यानी कि क्या आ जाएगा आपका 6πr। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एथलीट इन अ सर्कुलर फील्ड। भाई स्ट्रेट लाइन की बजाय वो सर्कुलर फील्ड भी तो पूछ सकता है। आप देखो अगर एग्जामिनर आपको कहे कि आपका एक स्फीयर फील्ड क्या है, एक स्फीयर फील्ड, और आप चले ए पॉइंट से गया बी सी और फिर क्या होंगे बी, और इस स्फीयर फील्ड की एक साइड 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर है। तो अगर आपने एक ये आपका मान लो है आपका इनिशियल पॉइंट, क्या है इनिशियल पॉइंट, और ये कौन सा फील्ड है स्केयर स्केयर फील्ड। तो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर आप मान लो इसके टू राउंड लगाओ, कितने लगाओगे टू राउंड, तो आपकी टोटल डिस्टेंस क्या हो, आपकी टोटल डिस्टेंस क्या हो, चला कहाँ से थी ए पॉइंट, लास्ट में कहाँ पहुंच गया ए पर, एक राउंड में दूसरे राउंड में भी कहाँ पर पहुंच जाएगा ए पे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्फीयर फील्ड है तो स्फीयर की सारी साइड क्या होगी इक्वल, ये भी क्या आएगी ये भी क्या होगी ये भी क्या होगी। अब उसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी इस स्फीयर का पैरामीटर क्या होगा, स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर। अगर आप सिंपली ऐड करो ये तो कम डिस्टेंस है 10 + 10 + 10 + 10, तो आप कह सकते हो कि टोटल जो डिस्टेंस होगी इसकी डिस्टेंस फॉर वन राउंड कितनी आ जाएगी 40, क्या आ जाएगी 40 मीटर। पर इसका आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पैरामीटर होता है स्क्वायर का वो क्या होता है 4 × साइड, क्या होगा 4 × साइड, तो 4 है साइड कितनी आती 10, तो कितना आ गया 40। तो देखो आंसर दोनों में सेम है, पर अगर मान लो वो डिस्टेंस आपकी ऐसे दे 255.65 मीटर ऐसे दे दे, तो इसमें फिर आप ऐड करोगे मुश्किल हो जाएगा, यहाँ आप पहले पुट करोगे तो इजीली निकाल सकते, तो फार्मूला भी हमें आना चाहिए। अब एक राउंड की कितनी है 40 मीटर, अगर दो राउंड है अगर ये क्या है टू राउंड, तो पेरीमीटर आपका कितना है 4, साइड को हम ए भी ले सकते हैं 4a, टू राउंड है तो कितना आ जाएगा 8a, 8 × साइड कितनी आपकी 10, तो कितना मिल जाएगा 80 मीटर। क्लियर है, यस मैम। अगर वो बोले कि उसने डेढ़ राउंड लगाया है कितना डेढ़ 1/1 कंप्लीट एक आधा, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है कितना हो जाएगा 3/2, तो पैरामीटर अपना कितना होता है 4a, 4a का मतलब साइड 3/2 × 4 और ये क्या आ जाएगा a, a मींस क्या है आपकी साइड। अब 2 × 2 = 4 यानी कि 6a
स्ट्रेट लाइन रोड हो तो सिंपली निकल जाएगा, सर्कुलर हो तो हम सर्कमफेरेंस का फार्मूला यूज करेंगे, अगर स्क्वायर फील्ड है तो हम पैरामीटर का यूज करेंगे। समझ में आ गया? वैसे देखो एक राउंड की 40 और आधे राउंड की कितनी हो जाएगी, 40 में 10 और 10 प्लस करो वो भी कितना हो गया 60। अगर आप फार्मूला लगाओगे तो भी क्या आएगा, क्लियर हुआ? डिस्टेंस क्या होती है? नेक्स्ट आपके लिए आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस प्लेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर हम करते हैं सेम यूनिट मीटर या सेंटीमीटर। क्या होगी? मीटर या सेंटीमीटर। लेंथ को हम किसमें मापते हैं? मीटर या सेंटीमीटर। अगर मीटर में मापते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या होती है? मीटर। एक होती है सीजीएस यूनिट, स्मॉल यूनिट, वो क्या होती है? सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को किसमें मेजर करते हैं? बोलो, मीटर। पर दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाती हूँ। जो डिस्टेंस तो क्या होती है उसी पॉइंट से ले लेते हैं। मान लो हम यहाँ से चले, ओ इज द रेफरेंस पॉइंट, हम कहाँ गए? ए पर, फिर कहाँ गए? बी पर, फिर कहाँ गए? सी पर। सी पर हमने कोई काम किया और वापिस हम कहाँ पर आ गए? ए पर। ठीक है, मान लो ये हमारा 15 मीटर पे था, ये 20 मीटर की दूरी पर था और ये 25 मीटर। ठीक है, मान लो हम रेफरेंस पॉइंट से कहाँ गए? ए। ए से कहाँ गए? बी। बी से कहाँ गए? सी। सी पर हम कुछ देर रुके, फिर वापस कहाँ आ गया? ए पे। तो हमारी ये जो पोजीशन थी ये क्या है? इनिशियल। और ये कौन सी है हमारी? तो पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस देखो हम कहाँ से चले, ओ पहुंच कहाँ गए? सी पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ओ सी। ओ सी से वापस कहाँ गए? ए के ऊपर। तो सी ए। ठीक है, अब ओ सी कितना है टोटल हमारा? 25। और यहाँ से यहाँ तक आए कितना? 5। ये है बीच में यहाँ तक और 5 ये। ठीक है, वापिस कितना आ गया? 10। तो टोटल हमारी डिस्टेंस कितना हो गया? 35 मीटर। मान लो ये मीटर में ऐसा कितना हो गया? 35 मीटर। डिस्टेंस सबको क्लियर है? यस मैम। ओ से चले थे वापिस कहाँ पहुँच गए? ए पर। अब डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी जहाँ से चले थे और फाइनल पोजीशन जहाँ पहुँच गए उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ, कितनी दूरी रहेगी वो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो होती है टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पाथ, कि जितना रास्ता हमने कवर किया उसकी टोटल लेंथ क्या कहलाएगी? हमारी डिस्टेंस। क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब चले कहाँ से थे? ओ से। पहुंच के कहाँ पर? ए पे। तो कितना रास्ता रह गया हमारा? 15 मीटर। तो यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई? 15 मीटर। क्या आ गई? 15 मीटर। क्लियर है सभी को? देखो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी दूरी रहती है वो क्या कहलाएगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम काम हो कर रहे हैं सर्कुलर फ्रेम और यहाँ चले हम ए पॉइंट से। कहाँ चले? ए पॉइंट। हमने एक राउंड लगाया और हम वापस कहाँ पहुंच गए? ए। यानी कि हमारी इनिशियल पोजीशन की क्या थी? ए। और लास्ट में फाइनल पोजीशन भी क्या रहेगी? ए। ठीक है, अब टोटल जो डिस्टेंस थी डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगी भाई? 2 पाई आर। डिस्टेंस किसके
बिटवीन टू आई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चले कहां से थे? ए पॉइंट से। चक्कर काट के कहां पर आ गए? ए पॉइंट से। तो जहां चले थे वहीं पर आ गए। ए और ए के बीच में क्या डिफरेंस है? जीरो। क्या डिफरेंस है? तो हमारी किस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। क्लियर है? यस मैम। अगर मैं पूछती कि मैं हाफ राम लगाया और मैं यहां पहुंच गई बी पे, कहां पहुंच गए? बी। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? बी। डिस्टेंस क्या होगी हमारी? ए बी। डिस्टेंस क्या होगी? ए बी। ए बी मान लो आपका क्या है? डायमीटर। क्या है? डायमीटर। अगर इसका रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। हम कहां से चले थे? ए पर। पहुंच गए कहां पर? बी पर। आधा राउंड लगाया हमने। कितना लगाया? आधा राउंड। उस केस में डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? डिस्टेंस कितनी होगी? ए। पर ये गलत। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमने ये देखनी है ना? डिस्टेंस तो ये होगी ना? डिस्टेंस हमारी क्या होगी? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो टोटल लेंथ क्या बनेगी अपनी? सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई r और उसका हाफ क्या आ गया? पाई r। डिस्टेंस ये है हमारी। तो पाई की वैल्यू अगर हम ले 22/7 और r कितना है? 7। तो हमने डिस्टेंस कवर की 22 मीटर। कितनी कवर की? 22 मीटर। समझ आया? yes. पर डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन कौन सी थी हमारी? ए। फाइनल पोजीशन क्या है? बी। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ए बी। क्या होगी? ए बी। और ए बी हमारा क्या है? 2r। क्या है? 2r। और 2r कितना? 7। तो कितना आ गया? 14 मीटर। क्या 14 और 22 सेम है? नहीं है ना? तो दोनों में क्या है? तो जरूरी नहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आए। वो जीरो भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आई? डिस्टेंस क्या थी आपकी? ए और बी। ये रास्ता कितना कवर किया? और ये रास्ता सर्कुलर है तो फार्मूला क्या लगेगा हमारा? सर्कमफेरेंस वाला। क्या लगेगा? सर्कमफेरेंस। पूरी सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r। हाफ है तो क्या आ जाएगा? 1/2 × 2 पाई r। क्लियर? आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इस टाइप से कि उसने 2 राउंड लगाए, 2.5 राउंड लगाए, तो डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, इसलिए करवा रही हूं। ठीक है, और डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जितना डिफरेंस था उनके बीच की दूरी क्या है आपके? डायमीटर। शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? 2r। दो रेडियस के बराबर 2 × 14। तो हमने एक क्वेश्चन में देखा कि डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो भी थी जब पूरा एक राउंड लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट उससे छोटी भी हो सकती है पर कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगी, इक्वल हो सकती है। क्या है? इक्वल हो सकती है। कैसे? मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ चला? ओ। पहुंच गया कहाँ? ए। और बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होगी? OA यानी कि कितना? 50 मीटर। कितना हो गया? 50 मीटर। अब वो चला O से था, पहुंच गया A पर। तो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। OA। डिस्प्लेसमेंट वो भी किसके बराबर है? OA। तो वो कितनी होगी? 50 मीटर। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। क्लियर? अब क्या है? डिस्टेंस में हम इधर गए वापिस आ गए या घूम भी सकते हैं, है ना? तो आपकी डिस्टेंस में डायरेक्शन मेजर नहीं करता, मतलब डायरेक्शन का इतना रोल नहीं। पर इस प्लेसमेंट में आपका डायरेक्शन का रोल भी है। अगर मान लो हम यहाँ से चले और वापस ना आ गए यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी? जीरो। तो इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल। अब मैं कहती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है, तो इसका मतलब ये जो 50 है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। ओके, मतलब
उसके साथ नंबर होता है वो क्या है उसका मैग्नीट्यूड, क्या है मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस का क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का दोनों होते हैं, वो आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होगी डायरेक्शन, क्या होगी डायरेक्शन, यानी कि इसमें डायरेक्शन भी मायने करती है। मान लो हम सर्कल में घूम रहे थे, ठीक है, आप गए तो डिस्टेंस तो क्या होगी आपकी, कैसे भी घूमो सर्कल में घूमो स्ट्रेट घूमो डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर लेंथ क्या कहलाती है आपकी डिस्टेंस। सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा कि वो 50 मीटर चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी, क्योंकि अगर वो वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम बोलेंगे, एक नई फिजिक्स में टर्म ऐड हो गया वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये फिजिक्स में आपके लिए नई टर्म है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट की दोनों चीज होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जो डिस्टेंस होता है उसकी सर क्या होती है मैग्नीट्यूड, इसलिए उसको क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? और कुछ एग्जांपल देके बताते हूं। मान लो आपको बोला गया 50 kg, किसी का मास है 50 kg, मास इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होगी ना, तो इसलिए कौन सी क्वांटिटी होगी स्केलर क्वांटिटी, क्या होगी स्केलर क्वांटिटी। अगर आप किसी को ऐसे बोलो कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मान लो आपको पता है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये क्या है, कि आप बोलो मेरा घर यहाँ पर है, आपका घर यहाँ पर है, तो आप उसको कुछ बताओगे ना कि मेरा घर नॉर्थ ईस्ट के बीच में इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन कॉमन है ना, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्या होगी किसी को हमने डायरेक्शन दे दिया, जैसे कि अगर हम देखें हमारा स्कूल के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना, तो वो क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर। लोकेशन में दोनों आएंगे मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी वेक्टर। तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी वेक्टर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आसमान में है। अगर आपको बोला जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखो, तो आप सबसे पहले कौन सा लिखोगे? मान लो आपका क्वेश्चन आ गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले क्या लिख सकते हो कि ये कौन सी क्वांटिटी है स्केलर, कौन सी है डिस्टेंस, हमेशा क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब हमेशा कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो सकती है जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस हमने देखा सर्कल में मूव करो उसी पोजीशन पे आता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, मान लो आप यहाँ से चले यहाँ पर होंगे डिस्प्लेसमेंट क्या आपकी पॉजिटिव, अगर मान लो रेफरेंस पॉइंट से आप माइनस की तरफ आगे